सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीए इंटर की, फाइनल की, फाउंडेशन की, कोई सी भी एग्जाम सीए की अगर देने वाले हैं तो ये वीडियो प्लीज़ देखना और इसको पूरा देखना, स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आप सीए की एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑफकोर्स आपका डीमोटिवेशन लेवल इस टाइम पर काफ़ी हाई होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो काफ़ी पास में हैं। तो इस टाइम पर अधिकतर बच्चे, 99% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता लास्ट टाइम तक कि हमारा कोर्स नहीं हुआ है। इसमें दो तीन कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। एक तो वो बच्चे जिनका सब कुछ हो गया पर उनको बस बिन मतलब की टेंशन हो रही है, और ऑफकोर्स उन बच्चों की टेंशन बहुत ज़रूरी है और होती ही है इस वजह से, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल शुरुआत से इतना हाई नहीं रहा है तो उनको टेंशन होती है कि यार भले ही सब कुछ हो गया तो भी। एक वो बच्चे जिनका 50-50% हुआ है तो वो बच्चे टेंशन में कि आप क्या करें, अब हम ऐसे मजेदार पे के ना छोड़ सकते हैं, ना एग्जाम में जा सकते हैं, तो करें कि हम। थर्ड टाइप के वो बच्चे रहते हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ है और वो टेंशन ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको तो लेनी भी चाहिए, पर फिर भी ये तीनों कैटेगरी के बच्चों के साथ मेरी सिंपथी है क्योंकि मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ कहीं ना कहीं, और मेरे को भी बहुत टेंशन थी एग्जाम के टाइम पर। तो मैंने उस टेंशन को ओवरकम कैसे करा उसका मैं आपको आज सब कुछ बताने वाली हूँ, और क्या क्या लॉजिकली पॉसिबल है और कैसे हम दूर कर सकते हैं वो टेंशन। सबसे फर्स्ट सिचुएशन देखो आपकी, कि आपका सब कुछ हो गया और फिर भी आप टेंशन ले रहे हो। तो देखो, इस टेंशन का तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर हम जो मेन बात है ना, हम मानते ही नहीं कि हम उस कैटेगरी में, कि हमारा सब कुछ हो गया है और फिर भी हम टेंशन ले रहे हैं। सब कुछ का मतलब है कि 80-90% ऑफ द कोर्स हमारा हो गया, एमटीपी आरटीपी हमने एक बार गो थ्रू कर लिए, रिविजन जो है वो हमारे हो चुके, इतना अगर आपका हो गया तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। सेकंड बच्चे जो 50-50% पे बैठे हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक दो सब्जेक्ट्स उनके लाभी भी हुए नहीं है, लटके हुए पड़े हुए हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी 70-80% हो गए, वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और थर्ड लास्ट बच्चे जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब वो आप सोच रहे कि यार आप 10-15 दिन, लाइक 7-8 दिन बच्चे तो आप क्या स्टार्ट कर ले, थोड़ा बहुत 10-20% हो गया तो अभी भी स्टार्ट कर ले, काम करते एक दो सब्जेक्ट कर लेते, एग्जामिशन की तैयारी कर लेते। आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो पर ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टिप से। देखो, ये सीए एग्जाम्स है, यहाँ पर तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल उतना चेक नहीं हो रहा है, तुम्हारा आईक्यू लेवल उतना चेक नहीं हो रहा है जितना तुम्हारा ईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने इतना वास्ट कोर्स जो है वो रख रखा है, वो तुम्हारा चेक कर रहे हैं पेशेंस लेवल के, तुम बच्चों कौन से वाले बच्चों में से हो जो एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे या नहीं जाओगे। आधे बच्चों के अटेम्प्ट इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर अगर देने जाते हैं तो उनका प्रेशर लेवल, जो उनकी टेंशन की लेवल रहती है वो इतनी ज़्यादा हाई रहती है कि वो भले ही देने चल जाते हैं, एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं, लेकिन डीमोटिवेशन की वजह से कुछ लिख ही नहीं पाते, या फिर एक तो पेपर दे देते हैं और बाकी पेपर्स देने ही नहीं जाते। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, तुम्हारा टेंशन टॉलरेंस लेवल जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है। वो तुमको आईआईटी की प्रिपरेशन जैसा नहीं बनाना चाहता। आईआईटी में कोर्स ठीक है, इतना ज़्यादा वास्ट नहीं रहता है ऑफकोर्स, पर वहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो कोर्स का लेवल है वो इतना रहता है, इतना सीए में लेवल इतना रहता है, मीडियम लेवल उससे भी थोड़ा और डाउन, तुमको लगेगा कि ठीक है आसानी तो है पर कोर्स इतना रहता है आप उसको कवर ही नहीं कर सकते। और हमारी शुरुआत से 10th 12th से क्या आदत रहती है, हमारे 3-4 बार रिविजन्स हो जाते थे 10th 12th में, तो हमारी आदत रहती है बिना रिविजन के, तो हम कैसे ही करेंगे। तुम एक रिविजन के साथ बिना रिविजन के भी पास हो सकते हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने करा है। तुम्हारा बस ये चेक करने वाले वो कि तुम इतनी टेंशन टॉलरेट क्या कर सकते हो और उसके बाद भी तुम एग्ज़ाम देने जा सकते हो, ये देखना। मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने जब अटेम्प्ट दिया था तब फर्स्ट हमारा जो ग्रुप था वो इतना टफ आया था, मतलब कि बच्चों ने पूरा ग्रुप ही नहीं दिया था, और जिन्होंने मर मर के दे दिया था उन्होंने सेकेंड ग्रुप नहीं दिया था, पर मैंने अपने दोनों ग्रुप दिए थे। और मैं इसलिए बोल रही हूँ ये क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा फ्रेंड्स ने सेकंड ग्रुप तो दिया ही नहीं था और आधी तो बीच में ही छोड़कर फर्स्ट ग्रुप पे ही चली गई थी, लेकिन सेकंड ग्रुप वो सो इजी, इतना इजी आ गया था आप सोच भी नहीं सकते। और जिन्होंने मिस कर दिया ना वो बहुत पछता रहे थे बाद में, और जिन्होंने दे दिया कैसे भी करके, मेरे जैसे बच्चे वो निकल गए, वो क्लियर हो गए। तो यहाँ पर हमारा वो आईक्यू लेवल टेस्ट करने नहीं बैठे, वो तुम्हारी
उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, ऑफकोर्स आईक्यू लेवल भी हो रहा है पर उस लेवल पे नहीं हो रहा है टेस्ट, वो तुम्हारी दूसरी चीज़ें भी चेक कर रहे हैं कि तुम कितना क्या टेंशन टॉलरेट कर सकते हो, तुम सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हो, क्या तुम वो पर्सन हो जो एकदम पैनिक हो जाते हो। तो इस सिचुएशन को वो बिटवीन दी एग्ज़ाम भी चेक करेंगे तुम्हारी, तुम्हारा जब पेपर तुम्हारे सामने रखेंगे ना तो उसमें स्टार्टिंग के कंपल्सरी क्वेश्चंस, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हमेशा टफ होंगे। तो तुम वो बच्चे नहीं हो मतलब 10th 12th वाले अब, कि तुम देखो और घबरा जाओ और बाकी क्वेश्चंस भी छोड़ के आ जाओ। हमको क्या करना है, पूरा पेपर जो हमको 15 मिनट्स मिलते हैं बिफोर एग्जाम, उसमें देखना है पूरा पेपर, एनालाइज करना है, और हमको वो 40% क्वेश्चंस जो है वो छाटने हैं, जिसके लिए हम एग्जाम में आए हैं, जो हमको पास करा सकते हैं वो क्वेश्चंस छाटने हैं हमको उन 15 मिनट के अंदर। और वो 15 मिनट आपके पूरे एग्जाम के 3 घंटे को इतना अच्छे से मैनेज कर लेंगे कि वो 40% क्वेश्चंस अगर आपने उन 15 मिनट में छाट लिए, तो बाकी बचे हुए टाइम में आप वो जब 40% क्वेश्चंस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाएगा ऑलरेडी कि ठीक है मैंने क्या कर लिया, मेरे पासिंग नंबर से ऑलरेडी अच्छा खासा मेरा हो गया उतना। तो वो होने के बाद अब तुम जब बाकी बचा हुआ 60% पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम देखना कि वो क्वेश्चन जो तुमको पहले नहीं आ रहे थे ना, वो भी आने लग जाएंगे। ये पता है किस कारण से हुआ है, तुम्हारा जो माइंड सेट है, तुम्हारा जो प्रेशर है एग्जाम पे, वो अब कम हो गया, क्योंकि तुमको लगने लग गया कि यार 40% पेपर हमारा हो गया, मतलब गारंटीड हम पास हो जाएंगे, अभी जितने भी हमारे मार्क्स है एग्रीगेट में हमको काम आएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे थे पहले, उसमें भी वो क्वेश्चंस भी हमसे बनने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती कर दी और आपने सोचा कि नहीं मुझे तो पहले जो नहीं आ रहा है मैं पेपर जो है अपना सीरियल वाइज करने वाला हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तुमको स्टार्टिंग के अगर 1 2 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन तक तुमको नहीं आया, तुम्हारा जो भी डीमोटिवेशन लेवल है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, और तुम्हारे जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अब ये तुम्हारे हाथ में कि तुम कैसे अपना, ये देखो पूरा दिमाग का खेल है, दिल का खेल है, दिल को समझा के रखना है कि हमको सब कुछ आता है, हम वहाँ पर 100% पेपर अटेम्प्ट करने गए ही नहीं है, हमको तो सिर्फ हमारा स्टार्टिंग में ही वो 40-50% सब क्वेश्चंस छाट लेने हैं जिनके लिए हम एग्ज़ाम देने गए, और जो हमको पास करा देंगे, बाकी बच्चे हुए तो हम अटेम्प्ट कर देंगे, पूरा पेपर हम 100% अटेम्प्ट करेंगे, पर वो हमको लाइक बोनस मार्क्स में मदद करेंगे। हमारा एम तो वो 40-50% है क्वेश्चंस, और वो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के 1-1.5-2 घंटे में अटेम्प्ट कर चुके हैं, बाकी 1-1.5-2 घंटा हम टाइम पास कर रहे हैं और बोनस मार्क्स की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को तुम अपना के देख लेना एग्जाम में, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो जाएगा, और अगर तुम स्टार्टिंग के 1-2 पेपर में फॉलो कर लोगे, तुम्हारी नेक्स्ट पेपर से ही आदत बन जाएगी, तो MCQs वगैरह जो तुमको आया पहले वो करते रहना सॉल्व। तो कहने का मतलब इतना है बस कि जो आ रहा है वो अच्छे से सॉल्व कर लेना पहले, तो इससे काफ़ी बाद में एग्ज़ाम में आखिरी तक काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपके 1-2 पेपर अच्छे नहीं गए हैं और अभी आपके सारे पेपर बचे हुए हैं, तो प्लीज़ कृपया करके बीच में अपना ग्रुप एग्ज़ाम मत छोड़ना। पूरी 8 सब्जेक्ट अगर दे रहे हो तो 8, 4 दे रहे हो तो 4, पर जो भी है पूरी एग्ज़ाम देकर आना प्लीज़। एग्ज़ाम आधे में मत छोड़ना, हो सकता है जो पेपर तुम छोड़ रहे हो ना वो बहुत इजी आ जाए, और ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग के पेपर टफ आएंगे, तो तुमको ये बात जो है दिमाग में घुसा के पहले से ही जाना है कि टफ आने वाले हैं पेपर, ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे पेपर बहुत हाई लेवल नहीं चल जाएंगे, पेपर ऐसे ही जाएंगे, और फिर भी तुम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे पूरी। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, क्यों एग्ज़ाम में हमें इस अटेम्प्ट में जाना चाहिए, इसकी मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और उसमें मैंने इतने सॉलिड रीजंस दिए हैं, तो प्लीज़ आप वो देखना एक बार वीडियो। और ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो सॉल्व कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।